स्टैटिस्टिकल मेथड के सब्जेक्ट बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उसको कंप्यूटर की हेल्प से कैसे आपने करना है, इसी पे है हमारा ये सब्जेक्ट भी। तो देखो, अब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो क्या वो पॉसिबल है कि आप घर पे कर पाए? तो ये जो वीडियो आपको मैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड है कि आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, कुछ बच्चों के पास जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप है, तो कैसे मैनेज होगा? तो हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसको कंप्यूटर की हेल्प से करना है, तो हमारे पास यूज जो हमने करना है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है उनको यूज करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है। स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर है जिसमें की इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है और गूगल का हमारे पास शीट है। तो इस प्रैक्टिकल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल की शीट पे आपने कैसे काम करना है, बिकॉज आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव है या आप शीट अलग से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल उस पे कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी ये सीरीज बनी हुई है, आपको पता है कि ये हमारे पास, ये देखिए, ये पूरी सीरीज बनी हुई है, इसमें 8-9 लेक्चर्स हैं। और इस सीरीज में आप जो फोर्थ लेक्चर है वो है हमारे पास, फोर्थ लेक्चर है अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। तो जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको कैसे फाइंड करते हैं वो तो इस वीडियो में आप देख सकते हो। लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन। ओके, ये चैनल पे आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो डाटा है वो है 2, 4, 6, 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7। बच्चों, हमने इसको मैथमेटिकली कर लिया, बड़ा ही सिंपल सा है, मतलब मैथमेटिकली कर लिया हुआ है, बट इसको आप कैसे कर सकते हो गूगल शीट की हेल्प से, और उसका प्रोग्रामिंग कोड क्या है, तो उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको गूगल शीट पे लेके चलता हूँ अभी। तो आपने ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, आप शीट इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो ड्राइव पे जाके नहीं क्रिएट कर लीजिए। तो मैं शीट पे आ गया हूँ यहाँ पर। ओके, मीन ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज उससे रिलेटेड ये है कि ये हमने डाटा लिख लिया है। ओके, डाटा को इनपुट कैसे करते हो आप? सिंपल, सेल में इनपुट कर सकते हो, आप मोबाइल से इनपुट कर सकते हो। इस सेल का जो एड्रेस है वो कैसा होता है? कॉलम नेम और रो नंबर। ओके, तो B3 है इसका। तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी स्टैटिस्टिकल जो शीट पे ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शन क्या है, वो फार्मूला जो फंक्शन है वहां पे अवेलेबल होते हैं, ये सारे हैं। और हम स्टैटिस्टिकल मेथड कर रहे हैं तो हम स्टैट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड वो सारे फार्मूले अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें मीन, मोड, मीडियन, मेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑल सभी होंगे। ये देखो, ये मीडियन है और इसके बाद ये मोड है। और जो इस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में मीन के लिए जो फंक्शन है, दैट इज ए एवरेज। तो हमने क्या करना है, अब देखिए, एक्सेल जो शीट की एक होती है कि कोई भी जो फार्मूला है वो किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से। और उसके बाद हमने क्या चूज करना है, सिंपल फंक्शन मीन फाइंड करने के लिए। और इस फंक्शन का बच्चों नाम क्या है, एवरेज। अब एवरेज में आपने इनपुट देनी है, एवरेज फंक्शन नाम के ये दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे आपने इंडिविजुअल वैल्यूज देनी है, सेल एड्रेस देनी है या रेंज देनी है। रेंज कैसे लिखते हैं कि मैंने 2K सेल का एड्रेस लिखना है B3 एंड B12। क्लियर? B12 कैसे लिखा मैंने, B इज द कॉलम एंड 12 इज द रो। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.4। ओके, ये किसमें किया हमने, वी परफॉर्म दिस थिंग इन द शीट। सेम हम किससे करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं, सेकंड थिंग सी का एक प्रोग्राम। ओके, तो कंपाइलर से कर रहा हूं मैं, तो ये सिंपल कोड है इसका। इस के एंड में मैं आपको वो ऐप का लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके वहां भी कोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दो हेडर फाइल है, आपको पता है ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं, iostream.h और konya.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है
एरे का नाम क्या है यहाँ पे, मार्क्स, और उसमें वैल्यू कौन सी दी है, सेम वही वैल्यू जो हम शीट पे कर रहे हैं, ओके। और हमने वेरिएबल सम, मीन और एन लिए हैं। सम मतलब टोटल सम फाइंड करने के लिए, मीन मतलब मीन को फाइंड करने के लिए, एन मतलब कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 10। क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और एरे को यदि रीड करना है तो लूप लिया है, और यहाँ पे फॉर लूप लिए, वेरी सिंपल। उसको फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट को इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इंट आई इज टू 10। तो सी प्लस प्लस की एक अप्रोच ये होती है, जहां पे आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है आप वहीं पर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ये एक ही बार चलता है ये वाला पार्ट, तो यहीं पे मैंने इसको डिक्लेयर एज वेल एज इनिशियलाइज किया है। लूप कहां तक चलाई, आई लेस देन एन तक। आपको बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट में एरे की जो इंडेक्सिंग सी या सी प्लस प्लस में चलती है, वो चलती है जीरो से शुरू होती है। तो जब 10 एलिमेंट्स है तो इनकी इंडेक्सिंग होगी जीरो से लेकर 9 तक। तो लेस देन एन मतलब लेस देन 10 का मतलब है आई की वैल्यू 0, 9 तक। आई प्लस प्लस हरेक मार्क्स की जो वैल्यू किसमें ऐड होती जा रही है, सम में। पहले आई की वैल्यू 0 थी तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 हुई ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी की सारी वैल्यू ऐड होगी किसमें जा रही है, सम में। और उसके बाद क्या फाइंड कर लिया आपने, मीन फाइंड कर लिया, और मीन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसको रन करते हैं हम, तो क्या आता है, रन करने के बाद 4.4। तो ये हमारा सी का कोड, पर इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि वो मोबाइल पे आपने कैसे करता है, वो भी इसके साथ शेयर कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म है शीट पे करने हैं, और मोबाइल में आपकी ऐप है जिसमें कि आप कोडिंग कर सकते हो। बच्चों ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम में डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा एक जरूरी वाली बात है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। आप उस एज में जी रहे हो कि जिसमें कि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आने वाले समय में ये काफ़ी हेल्पफुल है, और आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए, आपके कैरियर के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।